वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई है। मुल्क की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सलमान तारिक से। जी सलमान, मुलाकात का अहवाल बताइए। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइश का मॉल टाउन में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क की मजमू सियासी सूरतहाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में पार्टी ज़राए के मुताबिक जो हवाला है उसके मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि PDM को कौमी असम्बली के आइंदा माह होने वाले ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना चाहिए और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान और इक्तिसादी सूरतहाल को देखते हुए इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देनी चाहिए। इस मुलाकात में शहबाज शरीफ का कहना था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातों के इलेक्शन तमाम कौमी अमूर पर मुतफ़िक़ा लाइमल इख्तियार करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि मौलाना साहब हम मुल्की मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं, महंगाई की लहर पर जल्द काबू पा लेंगे। जो पार्टी के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा कि हम तमीली सियासत पर यकीन रखते हैं, वक्त तकरीबी सियासत का नहीं है। जी शुक्रिया सलमान तारिक।